करना। ठीक है ठीक है, तो ये एन्यूलमेंट का केस है ना? ये तलाक चाहिए, तलाक घटस्फोट चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए तलाक का मतलब होता है शादी का टूट जाना। हाँ बराबर। और एन्यूलमेंट का मतलब होता है कि शादी हुई ही नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या होशियार है आप, सचमुच आपने वकील पास किया। अगर आप जल्द से जल्द मुझे ये मेरे बेटे को घटस्फोट दिलवा दोगे ना, तो जो आपकी फीस है उसके 10 रुपए ज्यादा दूंगी मैं। मेरा नाम सविता देशमुख है। ठीक है, आप एक काम करिए, आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। हाँ, हाँ। मैं आपके घर पे जो है कागज लिखवा दूंगा। जल्दी लिखो, सविता देशमुख। ठीक है, जैसे ही साइन हो जाएंगे आपके बेटे और बहू के, मैं कुछ ही दिनों में ये पहुंचवा दूंगा। ये हुई ना बात, अभी मैं निकलती हूँ, मुझे जल्दी जाना है, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। अजीब औरत है। मैडम के तेवर तो देखो, इतने मन लगाकर पढ़ाई कर रही है जैसे पढ़ लिख कर MBA करने वाली है। बड़े प्यार से आई ने मुझे बोल दिया, मंजू जब मेरी अर्जू पढ़ने के लिए बैठे ना, तो उसके लिए चाय बना देना। जैसे मुझे और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम रह गया है। हाई, तेरा आइडिया जब रहने लाएगा तब लाएगा, अभी तो मैं यहाँ बुरी तरह फंस गई। भाई ये वैश्व और अर्जु की चाय। ताई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, देख मैं तेरी ऐसी प्रिपरेशन करा लूंगी कि तू क्लास में टॉप करेगी। व्हाट से वैश्व, खुद तो पास नहीं हो पाएगी और टॉप करेगी। की याद आ रही है ना तुझे, तो मेरे मन की हर बात कैसे भांप लेती है, बिना कुछ बोले सब कुछ समझ जाती है। आई, कल वर्षु का जन्मदिन है ना। हर साल त्योहार की तरह मनाते थे हम उसका जन्मदिन। और 10 मिनट बाद मेरा बर्थडे शुरू होगा। हेलो, तुम लोग कहाँ पे हो, घर कब आ रहे हो? देख, मैं निशा और अवनि के साथ पार्टी में हूँ, मुझे आते आते बहुत टाइम लगेगा। ओके, तुम खाना खा के सो जाना। अब रश्मि, लेकिन ओके बाय। हेलो हेलो,
बच्चा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैष्णो, वैष्णो हर साल की तरह हम इस बार भी तुम्हारा यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम्हारा मन पसंदीदार केक भी मंगा है ब्लैक फॉरेस्ट का। और तुझे पता है केक पर भी हमने इस बार एक ही कैंडल जलाई है। फोन पर ही रहना, आज तुम्हारे नाम का केक मैं काट रही हूँ। वर्षा बेटा, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि लाख लाख शुभेच्छा। वर्षो बेटा तो फोन पर है ना? हाँ बाबा, मैं हूँ। हाँ, एक मिनट। हेलो वर्षुताई, इस बार भी मैं सबसे पहला केक अर्चुताई को ही खिला रही हूँ। हेलो वर्षु, हैप्पी बर्थडे। एक मिनट रुक। आई बात कर। नहीं अर्जुन, उसे अच्छा नहीं लगेगा और मैं आज उसका मूड नहीं खराब करना चाहती। आई नहीं बोलना है। बोलना। हेलो वर्षु, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। हमेशा खुश रहना बेटा। ईश्वर करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। अच्छा सुन, कल भी तेरी पसंद की सारी चीजें घर में बनाऊंगी। सुबह के कांदे पोहे से लेकर बासुंदी तक। अब मैं उम्मीद तो नहीं कर सकती, लेकिन इच्छा जरूर रखती हूँ बेटा कि जिसके लिए ये बना रही हूँ वो आकर खाए। तू तो समझदार है, जो करेगी वो सही करेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। खुश रहना और क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ काका, वो बस थोड़ी सर्दी है। तो फिर आराम क्यों नहीं करते बेटा? नहीं काका, संकष्टी, मंदिर जाके पूजा तो करनी पड़ेगी। कहीं पापा को ऐसा ना लगे कि बुरे वक्त में इसका उस पर से विश्वास उठ गया। नहीं बेटा, ये सब इंसान की सोच है, भगवान ऐसा कभी नहीं सोचते। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अर्जुन, संकष्टी की पूजा के लिए जा रही है ना? हाँ आई। शक्य तेवड़ा लवकर ये। हाँ, आज घर में भी धनतेरस की पूजा है, यहाँ भी तेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और सुन, हाँ वहां तो आई वर्षा के लिए भी प्रार्थना कर लूंगी। ठीक है।
वजह से मैं और अर्चना एक दूसरे के साथ एक पवित्र रिश्ते में बंध गए थे। दुनिया भले ही कुछ भी समझे, आप ये जानते हैं कि मैंने उस रिश्ते को दिल से निभाया, और फिर भी आज मेरे हाथों में नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए आज मैं इस रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी आपके पैरों में छोड़कर जा रहा हूं। अब मेरा और इस रिश्ते का भविष्य आपको तय करना है। बप्पा, मुझे नहीं पता मेरा कल क्या है, बस भरोसा है तो आप पर कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे। फिर भी मेरी उलझन कायम है, सच क्या है, जो आंखों देखा वो, या फिर जो दिल ने महसूस किया वो। इस सच को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए पप्पा, मेरी मदद कीजिए। ये दवाई बरा वाटे। आप अपना ख्याल रखा कीजिए, मौसम बदलता नहीं है और आपको तकलीफ होने लगती है, ये गोली हमेशा अपने पास रखिएगा। फिक्र इसकी जरूरत क्या है, गोली तुम्हारे पास है और तुम मेरे साथ हो, तो जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे ही ले लूंगा। अब इसे अपने पास रखिएगा। आप
अकेले आई हो? अरे अरे तुम लोग यहाँ कैसे? पहचाना नहीं हमें? अब तक तो तुम्हारी शादी भी हो गई होगी ना? वैसे हमने भी शादी कर ली। By the way, how's your married life? अब उस पाव भाजी कॉर्नर पे जाते होगी नहीं? पता है हम तो हमेशा ही जाते हैं उस पाव भाजी कॉर्नर पे। और रियली हम हमेशा ही तुमको वहां मिस करते हैं यार। ऐसा शर्मिला जोड़ा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। क्या अब भी वही हाल है? अब बस भी करो, तुम ना तो वक्त देखते हो और ना जगह, बस शुरू हो जाते। अच्छा भाई तुम्हें हनीमून के लिए तुम कहाँ गए थे? हम तो अभी अभी कन्याकुमारी से आ रहे हैं और अगले साल हमने कुल्लू मनाली जाने की सोची है। फिर शुरू हो गए, अब बहुत हुआ। तुम्हें तो बोलते वक्त शर्म आती नहीं है, लेकिन सुनते वक्त इनका शर्म से हाल बेहाल हो रहा है। अरे ये तो अपना दोस्त है। अच्छा दोस्त, चल हम चलते हैं, फिर मिलेंगे शायद उसी पाव भाजी कॉर्नर पे। अच्छा, आज बस एक बार मेरी अर्चना। अर्चू, दादा आप? हाँ, यहाँ पास में किसी काम से आया था, घर वापस जा रहा था, सोचा अगर तेरे दर्शन खत्म हो गए होंगे तो तुझे भी कर लेता जरा। चल। ये यहाँ भी आ गया, ये तुझे परेशान कर रहा है क्या? चल अर्चू।